भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जा रही है ओडिशा के पुरी में। भगवान जगन्नाथ की यात्रा की तैयारियां पूरी कर ली गई है, बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए। दोपहर बाद रथ यात्रा यहां पर निकाली जाएगी। अहमदाबाद में अगर आपको बताया तो धूमधाम के साथ ये यात्रा निकाली गई। 7 जुलाई से 16 जुलाई तक श्री जगन्नाथ जी की ये जो रथ यात्रा है उसे यहाँ पर निकाला जाएगा, धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। तो तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, अब सर जो यात्रा है उसकी शुरुआत भर बाकी बची रह गई है। तो बड़ी जानकारी, आज भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पुरी से निकलने वाली है और उसके पहले अहमदाबाद में किस तरह से रथ यात्रा निकाली गई वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी तादाद में श्रद्धालु जगन्नाथपुरी पहुंच चुके हैं और यहाँ पर रथ यात्रा की शुरुआत दोपहर तक कर दी जाएगी। तस्वीरें आप देखिए, नाच गाना, भजन, झूमते हुए भक्त इन तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहे हैं। बहन सुभद्रा और भाई बलदाव के साथ आज भगवान जगन्नाथ की जो रथ यात्रा है वो जगन्नाथपुरी से निकाली जाएगी। और चलिए अब इसी के साथ तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं। हालांकि देश के अलग अलग हिस्सों में ये जो जगन्नाथ यात्रा है वो निकाली जाती है, लेकिन पुरी जो कि 4 धाम में से एक है वहां पर ये बड़ी खास रहती है। या देखिए किस तरह से बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं, ये रथ है और ये से आगे खींच करके बढ़ते हुए श्रद्धालु आपको दिखाई दे रहे हैं। देखिए एक लंबी डोरी आपको दिखाई दे रही है, रस्सी, इसी को खींच कर ये श्रद्धालु जो रथ होता है उसे आगे लेकर के जाते हैं और रथ पर सवार रहते हैं भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलदाऊ और बहन सुभद्रा के साथ। ये उसी की तस्वीरें हैं जगन्नाथपुरी में। हालांकि ये जो रथ यात्रा है उसकी शुरुआत की हर तैयारी मुकम्मल कर ली गई है, पूरी है तैयारी। अब आप देखिए किस तरह से वहां का जो परंपरागत नृत्य है वो तस्वीरें भी आपको यहाँ पर दिखाई दे जा रही है। तो भक्त जो है खुशी से झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। हर कोई चाहता है कि वो जो एक डोर रहती है उसे पकड़कर अगर आगे हम भी थोड़ा रथ को बढ़ा दें तो थोड़ा जो पुण्य है वो और बढ़ जाएगा, सौभाग्य जो है वो और बढ़ जाएगा। और ये एक लंबी और पुरानी परंपरा है, इसके बारे में जरा हम जानकारी डिटेल में आपको दे दें कि आज भगवान जगन्नाथ की जो रथ यात्रा है वो निकाली जाएगी। कब से कब तक होगी इसे समझिए, 7 जुलाई से, दरअसल 16 जुलाई तक भगवान जगन्नाथ जी का ये महोत्सव जो है वो मनाया जा रहा है। और ये तस्वीरों में भी हम आपको दिखा रहे हैं 7 जुलाई से 16 जुलाई तक। वहीं आपको ये भी बता दें कि अहमदाबाद में अमित शाह ने आज मंगल आरती की है। अहमदाबाद का जो मंदिर है भगवान जगन्नाथ का, वहां पहुंचकर मंगल आरती में अमित शाह शामिल हुए। अब देखिए बड़ी पुरानी ये परंपरा है, पूरे देश के अलग अलग इलाकों से बड़ी संख्या में जो भक्त है वो जगन्नाथपुरी पहुंचते हैं। रिपोर्ट आप देखिए। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में जगन्नाथ यात्रा की तैयारी जोरों पर है। मंदिर में भगवान जगन्नाथ की विशेष पूजा अर्चना की गई, जगन्नाथ प्रभु का भक्तों ने दर्शन किया। जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर लोगों का उत्साह देखने को मिलता है। आज निकलेगी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। 7 जुलाई से लेकर 16 जुलाई तक भगवान जगन्नाथ जी का महोत्सव मनाया जाएगा। भगवान जगन्नाथ की यात्रा में लाखों की तादाद में भक्त जुटते हैं और इस अवसर को रथ यात्रा के पर्व के रूप में मनाया जाता है। रथ यात्रा में शामिल होने के लिए रेलवे ने भी तैयारी की है और कई स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं ताकि भक्त वक्त पर पहुंच जाए। तो तस्वीरों के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि रथ यात्रा की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। दोपहर के वक्त ये रथ यात्रा जो है वो शुरू होगी। उधर अहमदाबाद में आपको बता दें कि रथ यात्रा निकाली गई, पुरी में ये यात्रा दोपहर में निकलेगी, अहमदाबाद में यात्रा निकाली गई है और अमित शाह ने उससे पहले अहमदाबाद के जगन्नाथ मंदिर पहुंचकर भगवान जगन्नाथ की मंगल आरती की है। तो आपको बता दें कि गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल भी इस अहमदाबाद में जो यात्रा निकाली गई है भगवान जगन्नाथ की उसमें शामिल हुए हैं। इससे जुड़ी ये 3 तस्वीरें हैं। पुरी की यात्रा बेहद महत्वपूर्ण होती है, पुरी जगन्नाथपुरी जिसे कहा जाता है कि 4 धाम में से एक है और कलयुग के धाम के तौर पर इसे देखा जाता है। एक बार दर्शन करने की तमन्ना हर किसी की रहती है और ये रथ यात्रा बहुत खास होती है। यहाँ पर जो सिलसिला है तैयारियों का वो पूरा कर लिया गया है, सारी तैयारियां हो चुकी हैं। दोपहर के वक्त भगवान जगन्नाथ की ये यात्रा निकलेगी, भगवान जगन्नाथ नगर भ्रमण के लिए निकलेंगे। ये तस्वीर आपको दिखा रहे, देखिए अमित शाह ने मंगला आरती की है। अहमदाबाद में जो भगवान जगन्नाथ का मंदिर है वहां पहुंचकर सुबह मंगला आरती में शामिल हुए हैं। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल भी इसमें शामिल हुए यात्रा के अंदर। और देखिए गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर ये लिखा कि महाप्रभु जगन्नाथ जी की रथ यात्रा भारतीय सांस्कृतिक विरासत और समृद्धि को सहेजने
और नया उत्कर्ष प्रदान करने का पुण्य अवसर है, जिसे देश के करोड़ों श्रद्धालु अत्यंत भक्तिभाव से मनाते हैं। ये यात्रा प्रतीक है कि भारतीय संस्कृति प्रवृत्ति से ही चालायमान है और उत्सव और अध्यात्म इसकी धुरी है। मैं सभी देशवासियों को महाप्रभु की रथ यात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और महाप्रभु जगन्नाथ, वीर बलभद्र और माता सुभद्रा से सभी के कल्याण और उन्नति की कामना करता हूं। जय जगन्नाथ।